लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यू नो देवा, मैं इन लोगों को समझ नहीं पाई। आधा वक्त तो ये पैसे कमाने में गुजारते हैं और बाकी वक्त पैसे खर्चने में। करेक्ट। ऐसे दिखावे की जिंदगी क्यों बिताते हैं? यस मैडम, राइट। दूसरों की सेवा करना ही जिंदगी है ना? हाँ, बराबर है, नो डाउट मैडम। इसीलिए आप उन्हें गाड़ियां सोचा है। जो रास्ते पे आप चलने वाले हो उसके रहने वालों से आपको मिला दो। इनसे मिलिए। 8 बरस की उम्र में घर छोड़ दिया, म्यूनसिपैलिटी से डिग्री मिलने वाली है, डॉक्टर ऑफ कचरा पेटी। बेचारे रात भर पेपर चुनते हैं, किस लिए? गांजा पीने के लिए। इधर आओ, वो देखो मैडम। वो नहीं, वो आगे वाले। हाँ, वो ना, वो 17 बरस की, स्वीट 17। बच्चे इस उम्र में स्वीट और चॉकलेट लेते हैं दुकानों से। सरकार ने एड्स ले ली है, डेली डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, फ्री फ्री। मैडम, ये बच्चा सचमुच भागा है। माँ को कोड़ है मैडम, माँ को कोड़ है, इसीलिए माँ के साथ इसको भी निकाल दिया है। क्या इंसाफ है। वो बच्चा ना चदर ओढ़ के लेटे हैं जो, हाँ, नो लेग्स मैडम, थर्रा चढ़ा के पटरी पे सो गए। ट्रेन पैर इधर, बॉडी उधर। स्टॉप इट प्लीज मैडम। वेट मैडम, अरे क्या मैडम, इतना सा सुन के आपको टेंशन हो गया? हा? अरे अभी तो ये लोग के साथ आपको पूरा लाइफ गुजारने का है। मैं बोलता है काय को, ये सब कोई अच्छा कलरफुल जवान देखे शादी बना के मजे से एसी कार में घूमो ना, क्या ये सेवा मेवा। तो फिर तुम्हें ये सब सिर्फ बातें लगती हैं? इसमें नो डाउट मैडम। व्हाट नो डाउट? तुम मुझे ठीक से जानते नहीं। उससे क्या? जब तक तुम नहीं कहते, यहाँ पर बैठ के दिखाऊं तुम्हें? बैठ। ओके ओके, कम ऑन। सर जल्दी आओ, इसको मैं कैसे रुकूं? कोई नया आइटम नहीं है मेरे पास। ये सब क्या हो रहा है मैडम? दुखियों की किसी को चिंता नहीं, कोई भी पार्टी का राज हो, इनके भाग में फुटपाथ की झूठन लिखी है बस। बेचारे को हाल खराब है मैडम। ये अपनी इंदिरा जी, क्या शांति, क्या वट था, मुंह पे क्या रोब था। अगर मैं उस टाइम में उनका पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट होता ना, तो रोज अलग 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 हेयर स्टाइल देता। मैडम आपकी चोटी बना दू, मस्त लगोगी। अरे अरे एक बार ट्राई तो करो, टिप मत देना। अरे एक बार ट्राई तो करो मैडम, उसको आने में वैसे भी बहुत देर है अभी। नहीं नहीं, चांद को। हाँ बैठ। मेरे बाप, तू, मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं मैडम। क्या? एक बड़ा सा चर्च, आप व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस में, म्यूजिक पे आप परी की माफिक चली आ रही है, आपके बगल में साइड में एक हैंडसम हस्बैंड है। शट अप, जब देखो शादी शादी, ब्रोकर हो क्या? शादी के लिए चली जाऊंगी। हां बैठ, खत्म। घबराओ नहीं, सबके लिए। सामा साहब, इतना लेट क्यों आए? यार हुआ यह कि रोड पर एक कुत्ता जख्मी पड़ा था, उसे प्रिया थॉमस। प्रिया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ फ्रेंड्स के साथ बेट लगाई थी। मैं पूरी रात यहाँ। गाल क्यों ला रहे हैं? हाँ? गालों पे? नहीं तो, ठंडी लग रही है। हाँ, ये लो। थॉमस, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं, रोड पे एक कुत्ता जख्मी पड़ा था, उसी का खून है। लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये तो साहब का लाइफ लॉन्ग पॉलिसी है ना? देवा, तुम इन्हें जानते हो? हाँ, सर को अच्छे से जानता हूँ, मगर सर मुझे नहीं जानते हैं। रोज इधर आते हैं, ठीक 10 बजे इधर पहुंच जाते हैं। ये लोग आपने देखे ना, अभी बच्चे लोग हैं। इन लोग के लिए वो केक का कपड़ा वगैरह सब। सर आज देर हो गई आज है ना? ये तुम्हारे फ्रेंड है? ये देवा है, बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन। ओह, म्यूजिशियन? पार्ट टाइम, बट मेन कटिंग। कटिंग यानी स्लॉटर, कसाई है क्या? नहीं, बाल, हेयर, बार्बर।
बार्बर, बार्बर। आप सिर्फ जेंट्स के काटते हैं या लेडीज के भी? दोनों सर। सर की एसी कार है सर। मैडम को ड्रॉप कर देंगे? सर को घर मालूम है आप? श्योर। मैडम आज जरा लेट हो गई ना, तो थोड़ा डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सर। भैया या अबे सॉरी, मैं तुम्हें बंगले के बाहर छोड़ रहा हूँ, मुझे गलत ना समझना। अंकल ने हम दोनों को यूं साथ में देखा तो उनको बुरा लगे शायद। इसमें क्या है? मुझे तुम पसंद हो, तुमने हमेशा मेरी मदद की है। तुमसे बात ना करूं यह हो सकता है क्या? उन्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए जरूरी है। बाय। You're good. Thanks. Thanks. One sec. A block. Yeah. Good night. सुनिए, कल रात थोड़ा ओवर हो गया था। डोंट मिस्टेक प्लीज, हम सबसे कभी कभी भूल तो हो ही जाती है ना। मैडम सच पूछे तो मेरे लिए सारी लेडीज सिस्टर्स के बराबर है। हाँ करेक्ट, बोल दे बाजा, बोल दे बेधड़क, बोल दे, उसकी आंखों में मत देखना बस। सुनिए, मेरे लिए सारी लेडीज भेलपुरी। आंखों में मत देखना बोला था ना। अब मिर्ची और इमली भी डाली है। सैड दिख रही हैं। बोलो मैडम बोलो, अगर आपको थप्पड़ मारने वाला कोई था नहीं ना, फिर क्या मैडम? तुमको भगवान ने क्या कुछ नहीं दिया? बड़ा सा बंगला है, करोड़ों की दौलत है, तुमको ये सब एंजॉय करना ही नहीं आता है? मैडम मैडम देखो, डोंट कॉल मी मैडम, पप्पी बुलाओ। पप्पी? वो तो कुत्ते का नाम होता है मैडम। ऐसे मत देखो देवा, मुझे कुछ होता है फिर कहोगे कि मेरी आंखें खराब है, मेरे कान। हो आप, मैंने वैसे ही कुछ बक दिया होगा मैडम, उसे आप इतना सीरियस मत लीजिए। हाँ मैं सच बोलता हूँ, आप तो जानती हैं पार्लर में बहुत सी लड़कियाँ देखता हूँ, मैं देखते ही बोल देता हूँ कि उनका टाइप क्या है, लेकिन आपको क्या बोलूँ? ये आंखें, ये बाल, ये नाक, क्या बोलूँ मैं इनके लिए, समझा नहीं सकता आप कैसी है। कैसी हूँ? पूजा करने लायक। तो तुम्हारी रिसर्च के मुताबिक मैं एक देवी हूँ? समझा नहीं, आपकी बात समझने के लिए डिक्शनरी साथ में रखनी चाहिए। पता नहीं क्यों देवा, जब तुम साथ रहते हो ना, मन हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि अगर तुम जिंदगी भर साथ रहे। ये 12 सिस्टर्स जो नियम पालन की शपथ आज ले चुकी हैं, इन्हें आज से नई नंस के रूप में चर्च द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। थॉमस तुम, थॉमस भीतर मत जाओ। ये नहीं होना चाहिए, हट जाइए। शांति विंसेंट,
तुम्हारी तकलीफ मैं समझती हूँ, लेकिन जो हम चाहते हैं हमेशा नहीं मिलता। ओहो, उससे मुझसे प्यार नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। क्या? किसी और के लिए है, उसका फैसला गलत है बिल्कुल। नहीं थॉमस, जो हो रहा है वो होना ही था, ईश्वर की इच्छा है। झूठ, ये तुम्हारा इजाद केवल झूठ है, ईश्वर को धोखा दे रही हो तुम। क्या ईश्वर तुम्हारे दिल की बात नहीं जानता? लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ यही चाहा है कि मैं एक नन बनूं। हाँ, ये तब थी। अब ईश्वर देवा को मरने से बचा ले, इसलिए तुम अपनी जिंदगी कुर्बान कर रही हो। ये फैसला भगवान और मेरे बीच में है, जो मैंने मांगा था वो उसने मुझे दे दिया, तो फिर उसको दिया हुआ वचन मैं कैसे ना पूरा करूं? प्रिया, तो फिर देवा, ईश्वर से कभी व्यापार मत करना, उसकी करुणा के लिए प्रार्थना करना ही सच्चा धर्म है, वो जो कुछ दे उसे कबूल करना धर्म है, यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। बोल प्रिया, तू किसी से प्यार करती है? बोलो प्रिया, बोलो। बोल प्रिया। ईश्वर ने हाथ को पैदा किया, लेकिन हमें उसे छूने को नहीं कहा, ये हमें जानना जरूरी है। जिस ईश्वर ने मर्द और औरत को पैदा किया, उसी ईश्वर ने इश्क भी पैदा किया। किस लिए पैदा किया उसने? क्यों मिलाया हम दोनों को? मैंने क्यों तुम्हें, क्यों देवा को इसमें घुसना पड़ा? क्यों देवा को प्यार किया तुमने? यहाँ क्यों आना पड़ा मुझे? ये हम लोगों के हाथ में नहीं है प्रिया। प्रिया अमलराज, बोलो प्रिया, सच्चाई जो भी है बोलो। प्रिया अमलराज, बोलो। बोलो प्रिया। प्रिया अमलराज, प्रिया अमलराज, बोलो। मैं देवा से प्यार करती हूँ, करती हूँ। मैं देवा से प्यार करती हूँ। जल्दी कर लो तुम, जल्दी कर लो तुम। जो जुबान कभी इसके सामने नहीं खुली, आज वो कैसे खुल गई? कहां से शक्ति आ गई मुझ पे?